तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, यीशु ने कलीसिया का नींव डाल चुका है, अब बार बार उसका नींव नहीं डालेगा। अभी ये लोग अपने आप को फिर से प्रॉफिट बोल रहे हैं, फिर से नींव डालने की कोशिश कर रहे हैं। कलीसिया का नींव नहीं डाला जाता। जब घर बनता है तो उसका जब फाउंडेशन बनता है ना, वो एक बार होता है, वो एक बार फाउंडेशन डाला जाता है, बार बार नहीं डाला जाता। इसलिए पौलुस यहाँ पर बोल रहा है, क्या सब प्रेरित हैं, क्या सब भविष्यवक्ता हैं, क्या सब उपदेशक हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन मार्क के पीछे। अभी एक्सोडस, व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट का असल में बाइबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। ओके, प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, मेरे साथ निकालिए प्लीज़। आप लोग भी अपना बाइबल रखिए अपने साथ में, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई ऐसा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, मैं जानता हूँ। तो क्यों आप भी अपना टाइम वेस्ट करो, मैं भी क्यों टाइम वेस्ट करूँ ना, कुछ सीखने सिखाने के लिए आए हैं। ओके, निर्गमन निकालिए, निर्गमन एक्सोडस 4। अभी देखिए प्रॉफिट का मतलब 4:15-16, असल में अगर देखा जाए बाइबल के हिसाब से तो कौन एपोस्टल कौन होता है, ध्यान से। हाँ, इसीलिए तुम उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुंह के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें कहना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। तो देखिए प्रॉफिट का क्या मतलब है कि परमेश्वर जो बोलते हैं वही सेम टू सेम बात वो इंसान बोलेगा। ओके, और 16, और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए, देखिए तेरी ओर से यानी परमेश्वर की ओर से, ओके, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। तो देखिए, जब तक बाइबल नहीं लिखा गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तब तक परमेश्वर प्रॉफिट्स के जरिए बातें करता था। अब जैसे मान लीजिए कि एक स्पीकर माइक है और उसमें एक स्पीकर लगा हुआ है, अब उसमें से कोई व्यक्ति बोल रहा है ना, जो बोलने वाला है वो है परमेश्वर, और जो स्पीकर जिसमें आवाज़ आ रही है, वो कौन है, वो है प्रॉफिट। यानी परमेश्वर जो बोलेगा सेम टू सेम उसे वही बोलना है, ना इधर का फालतू बात ना उधर का फालतू बात। ओके, ओके, अभी हमने ये बाइबल के हिसाब से ये जान लिया कि प्रॉफिट वो होता है जो परमेश्वर बोलेगा सेम टू सेम उसे वो बोलना है, अपनी तरफ से नहीं, लेकिन जो परमेश्वर बोलेगा सेम टू सेम वही बात वो बोलेगा। ओके, ये सेम यही पुस्तक निर्गमन 7:1-2, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा, जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, जो परमेश्वर बोलेगा वही तू कहना, और हारून उसे फेरौन से कहेगा जैसे कि वह इज़राइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। अभी देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने प्रॉफिट के रूप में चुना था मूसा को, लेकिन मूसा बोलने में वो कैसा था, मेरे जैसा, वो हकला था, मेरे जैसा था, बहुत हकलाता था, उसका मतलब बोल नहीं पाता था, उसका शब्द उलझ जाता था, मेरे जैसा, जब मैं बोलता हूँ तो मेरा शब्द उलझ जाता है। ओके, वो बहुत हकलाता था, तो इसीलिए हारून जो उसका भाई था,
बड़ा भाई था हारून, हारून जो है, हारून मूसा यानी परमेश्वर ने प्रॉफेट के रूप में चुना मूसा को, लेकिन हारून को बोलने के लिए, ताकि मूसा बोल नहीं पाता था ना, तो हारून उसका भाई जो है वो बोलेगा बोल के, एक स्पीकर जैसा। यस यस, ब्लू लेटर बाइबल स्पोकन स्पीकर, आपने जो भी बोला लेकिन ठीक मेरा मिल गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो मैं बोलूँगा तुझे वही बोलना है, एक्स्ट्रा अपने से कुछ ऐड नहीं करना। दूसरा पॉइंट याद रखना, भूलना मत। हाँ, ये हो सके तो लिख के रखिए, मैंने ये लिख के रखा है, ये देखो देखो, ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा कुछ ये शेयर कर सकूँ बातें। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज्ञानी बाबा हूँ, मैं मुझे सर सिखाते मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस सिंपल, यही तो है ना परमेश्वर का काम, आगे सिखाते जाना। ओके, मैं अपना ड्यूटी पूरा कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना ड्यूटी पूरा करना, आगे सिखाना किसी को। ओके, अभी यहाँ इन दो ये वचनों से हमने क्या क्या सीखा, ये वचनों से हमने सीखा, अभी और भी ये आगे, कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कि जो परमेश्वर बोलेगा उसे एक्यूरेटली वही बोलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल सकता वो। ओके, अभी एक चीज़ मिस कर दिया मैंने, अभी देखिए, हमने ये देखा बाइबल के हिसाब से कि प्रभु क्या बोल रहा है मूसा को, जो कुछ मैं बोलूँगा तू वही, हारून तेरे हिसाब से वही बोलेगा, तू वही बोलना, ये बोला है। ओके, जो कुछ बोलूँगा सेम टू सेम वैसे बोलना है। अभी दूसरा पत्रस, मैंने ये मिस कर दिया था, देखा नहीं मैंने, दूसरा पत्रस, अभी देखिए, लोग अपने हिसाब से बोलते हैं आज, दूसरा पत्रस 1:21 वचन, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यहाँ पर थे इस्तेमाल किया गया। ओके, देखा, जब उस समय पहले के समय में क्या होता था कि जब पवित्र आत्मा द्वारा बोलते थे, सिंपल है, शॉर्ट में अगर बोला जाऊँ। अभी जो मैंने ये क्यों लिखा है मुझे मालूम नहीं, यशाया 7:14 वचन पढ़ते हैं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। अभी देखिए, ये जो भविष्यवाणी, ये जो प्रॉफेट और भविष्यवाणी करने का ये एक चिन्ह था, असल में एक चिन्ह था, वो चिन्ह हम अन्य जातियों के लिए नहीं था, वो केवल यहूदियों के लिए था। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग हमेशा चिन्ह चाहते थे, और हम देखते हैं कि यीशु से भी वो लोग चिन्ह मांगते थे, हमेशा चिन्ह मांगते थे, अगर तू परमेश्वर की ओर से है तो चिन्ह दिखा। हम कैसे मान ले कि तुझे उसी परमेश्वर ने भेजा है, उसी यहोवा परमेश्वर ने भेजा, हम कैसे मान ले कोई चिन्ह दे, ऐसा वो चिन्ह मांगते थे। यहूदी खाली चिन्ह खोजता था, साइंस, वो लोग खाली चिन्ह ढूंढते थे। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, वो खाली चिन्ह देखते थे, तो परमेश्वर उन्हें चिन्ह भी देते थे पुराने नियम में, हम देखते हैं। हाँ, अभी नॉट ओनली पुराने नियम, यहाँ तक कि यीशु मसीह के आने से पहले भी हजारों साल आगे भविष्यवाणी हो चुकी थी कि यीशु मसीह जो मसीहा है, मसाया कहते हैं वो लोग, मसाया के आने से पहले कि एक जंगल में एक चिल्लाने वाले की आवाज़, पुकारने वाले की आवाज़, ऐसे एक वचन है। तो वो जो वचन है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का, जो भविष्यवाणी है वो बहुत पहले था, वहाँ तक परमेश्वर ने चिन्ह दिया। अभी यीशु मसीह से जब वो चिन्ह मांगते थे, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हें यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसका चिन्ह छोड़, और तुम्हें कोई चिन्ह ना मिलेगा। हाँ, उन्हें कह दिया। ओके, अभी यहूदी चिन्ह चाहता है, ये बात मत भूलना, ये यहूदी लोगों को परमेश्वर बहुत चिन्ह देते थे, तो उनमें से जो भविष्यवाणी
करने वाला जो वरदान था वो भी एक चिन्ह था, चिन्ह, ताकि यहूदी ये जान ले कि वही यहोवा परमेश्वर बातें कर रहा है उनसे। अभी देखिए, इस कारण प्रभु आप ही तुमसे तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल, यानी इमानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ रखेंगे। अब ये भविष्यवाणी पुराने नियम में यीशु के लिए हुआ था, लेकिन यहूदी नहीं माने, उन्हें चिन्ह दिया गया, ये अंतिम चिन्ह था। उसके बाद में अब ये जो भविष्यवाणी यशाया में हुई थी बहुत पहले यीशु के जन्म होने से पहले, ये भविष्यवाणी पूरी कहाँ पर हुई, कहाँ पर जाके पूरी हुई? ये भविष्यवाणी पूरी होती है आपका मत्ती, निकालिए प्लीज़ मेरे साथ, पहला मत्ती फर्स्ट 22:23। अब देखिए ये भविष्यवाणी मत्ती में, नया नियम में, पुराना नियम में भविष्यवाणी किया यीशु के विषय में और वो भविष्यवाणी यहाँ पर आके पूरा हुआ, ये एक चिन्ह था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर यहूदियों को चिन्ह दिया करता था ताकि वो लोग जान सके कि वही यहोवा परमेश्वर बातें कर रहा है। अभी देखिए मैथ्यू 1:22-23 पढ़ते हैं, सब कुछ, देखिए यह सब कुछ इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, अभी फिर से उस पुराने नियम के वचन को कोट किया जा रहा है, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ रखा जाएगा, कि जिसका अर्थ ये है, यहाँ पर है परमेश्वर हमारे साथ। ओके, तो ये चिन्ह, तो हमें इससे ये पता चलता है कि यहूदियों को चिन्ह दिया जाता था कि वही परमेश्वर बोल रहे हैं। अभी यहाँ पर प्रोफेसी जो करने वाला वरदान है, वो वरदान भी एक चिन्ह के रूप में था। ओके, ये बात समझ गए, क्लियर हो गया? ओके, मुख्य वचन, ये वचन मिस मत करना, हो सके तो लिख लो, इससे आप साफ साफ पता लगा लोगे कि कौन कि ये झूठे भविष्यवक्ता है या नहीं। व्यवस्था विवरण प्लीज़, ये वचन लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। 18 व्यवस्था विवरण 18:21-22 18:21-22 और ध्यान से सुनिए, और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, हम किस रीति से पहचान सकते हैं कि ये वचन परमेश्वर की ओर से नहीं है, हम कैसे पहचान सकते हैं? 22वां वचन कहता है, तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है तो उससे भय ना खाना। अभी पहचान क्या है, कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट बोलता है अपने आप को, ये जो वचन बोल रहा है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये अपने आप से बोल रहा है, हम कैसे पहचान सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि उसकी बोली हुई बात, यानी उसने अगर कोई ऐसा भविष्यवाणी किया जो भविष्यवाणी पूरा अगर नहीं हुआ, वो भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ इसका मतलब उसने अपने मन से बोला है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अभी यहाँ पर एक बात आपको बोलना चाहूँगा, कुछ समय पहले बजेंद्र सिंह ने, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो है अभी भी मेरे चैनल में,
लेकिन लोग समझते नहीं है, बाइबल को पढ़ते नहीं है और मुझे गाली देते हैं, बोलता है कि तू बजेंद्र सिंह को झूठा भविष्यवक्ता बोलता है। लेकिन उन्हें बाइबल को उन्हें बाइबल पता नहीं है। तो बाइबल हमें सिखा रहा है कि अगर उनका भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ तो पहचान लेना वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अब बजेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले एक भविष्यवाणी की थी कि मैं सलमान खान के साथ स्टेज पे हूँगा, एक दिन स्टेज में हूँगा, मलय थाथियो उसने ऐसा कहा था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो क्या वो परमेश्वर की ओर से है? बाइबल क्या सिखाती है भाई? बाइबल सिखाती है कि अगर उसका वचन पूरा ना हो तो सोच ले, ये वचन नोट कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ड्यूटरनोमी यानी व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 18, 21 और 22, प्लीज़ ये लिख लो, आप साफ साफ पहचान लोगे कौन झूठा भविष्यवक्ता है, कौन सच्चा भविष्यवक्ता है।